डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग जोसा का सी सेफ का चॉइस फिलिंग करेंगे। गूगल पे जाके सिंपली जोसा लिखेंगे, ये वाली वेबसाइट जो है आपको ऊपर सबसे ऊपर दिख जाएगी। इस पर क्लिक करना है ऐसे। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो जोसा का वेबसाइट है वो आपको खुल जाएगा। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने पे लेफ्ट साइड में रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग आएगा 2023। इस पे जाने के बाद ये जो सेक्शन है यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डालना है, जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन और हो जाएगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो चलिए डालते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। सो फाइनली हमने एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी पिन जो होता है इसको यहाँ पे डाल लिया। अब हम लोग करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने पे आप लोग देख सकते हैं कि OTP जनरेट होगा इस मोबाइल नंबर या फिर जीमेल पे, दोनों पे। तो वो डालना है आपको, मोबाइल जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आप लोग को OTP डालना है, ठीक है। उस पर OTP आएगा, उसको यहाँ पे सबमिट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे OTP गया था, हमने OTP डाल दिया है यहाँ पे। अब सबमिट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबमिट करने पे यहाँ सबमिट हो रहा है, यहाँ पे आ गया। टोटल देखिए 809 अवेलेबल चॉइसेस हैं, यहाँ पे चॉइस फिलिंग आ गया। यहाँ पे सारे जोसा के जो पर्सनल ये है वो आप लोग को खुल गया है। इस पर आप लोग अब कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये कंप्लीट चीज़ आप लोग को इसके सामने आ गई है। इसमें आप लोग को जब चॉइस अवेलेबल देखना है कौन कौन से चॉइसेस हैं, तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा IIT का सेक्शन हो गया, ये सारा IIT का चॉइसेस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप इंस्टीट्यूट टाइप सेलेक्ट कर पाएंगे, कौन से इंस्टीट्यूट में आपको भरना चाहिए। लाइक पहले आप लोग IIT जाना चाहते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सर्च किए। उसके बाद अब IIT में कौन सा, IIT भुवनेश्वर करना है, बॉम्बे करना है या क्या करना है, वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करते हैं। IIT मंडी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, उसमें इतने सारे अवेलेबल चॉइसेस हैं, ठीक। लेकिन हमें चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको ये अवेलेबल चॉइसेस हो गई। अब इसको स्टार्ट करते हैं। लाइक आपसे जैसे कट नहीं रहा था चॉइस फिलिंग, तो यहाँ होम पे क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप लोग चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे, फिर से एक OTP जनरेट होगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा। वो डालने के बाद वही आप लोग को फर्दर वो हो पाएगा। तो नया OTP जो गया है हमारे नंबर पे वो हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। जब भी आप खोलेंगे चॉइस फिलिंग के लिए तो आपको नया OTP यहाँ पे डालना ही पड़ेगा आपके नंबर पे जो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। उसके अलावा फर्दर हम लोग अब देख सकते हैं, OTP डाले तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुल गया। अगर आप IIT में पहले प्रेफरेंस में डालना चाहते हैं तो आप जैसे कि मान के चलिए IIT बॉम्बे का CS हमें डालना है सबसे ऊपर में, तो हम लोग रख सकते हैं। आप लोग का बहुत कम रैंक है फिर भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे सेलेक्ट करेंगे। उसका एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस आ गया, कंप्यूटर साइंस को ऐड कर दिया। तो चॉइस नंबर एक पे हमारा IIT बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस आ गया। वही हम लोग दो नंबर पे NIT तिरछी का CS रखना चाहते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ से सर्च करेंगे और यहाँ पे आके इस सेक्शन में सर्च करेंगे NIT में कौन सा। इसमें सारा NIT का लिस्ट दिख जाएगा। तो हम लोग जैसे कि NIT जालंधर, भोपाल हो गया, इलाहाबाद हो गया, गोवा हो गया, अरुणाचल, कुरुक्षेत्रा, मिजोरम, सिलचर, तिरुचिपल्ली, ठीक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का टाइप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे प्रोग्राम फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना नीचे में आप लोग को सारा प्रोग्राम उसका मिल जाएगा। लेकिन NIT तिरछी का कंप्यूटर साइंस करना है तो यहाँ सिंपली ऐड पे क्लिक करेंगे और ऐड हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि NIT तिरछी कोई, जैसे कि दो नंबर पे आपने तिरछी का कंप्यूटर साइंस डाल दिया, उसको ऊपर करना चाहते हैं, एक नंबर पे ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाके सिंपली आपको अप पे क्लिक करना है। देखिए NIT तिरछी का CS ऊपर चला गया। ऐसे ही आप लोग एक बार भरने के बाद भी अरेंज कर सकते हैं। कुछ चॉइसेस भरने के बाद हर एक बार यहाँ कोशिश करेंगे कि इसको लॉक करें, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करें ताकि आपका सेशन एक्सपायर होने पर ये सारा चॉइसेस फिल रहे। इस तरह से आप लोग अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और चॉइस फिलिंग हो जाने के बाद आप लोग सिंपली क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग का लिस्ट मैंने आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है PDF, उसको अरेंज करना है। अरेंज करना हम लोग ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप में आप सभी को बता दिया जाएगा कैसे अरेंज करना है। ये सिंपल रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग मैंने बता दिया है। जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे जनरली सिंपली क्लिक करेंगे इस पर, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद आपको डायरेक्टली लॉग आउट कर देना है। इससे क्या होगा कि वो यहाँ ओके आएगा, ओके कीजिएगा तो आपका लॉग आउट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप सेफ रहेंगे, आपका लॉग आउट सक्सेसफुली हो गया, आपका चॉइस फिलिंग भी भरा गया है। तो ये हमारा सिंपल प्रोसेस है जो कि काउंसलिंग का है।
देखिए यहाँ पे अब फिर से वो सेम आ गया डैशबोर्ड, कुछ करना होगा तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फर्दर आप लोग जाना चाहते हैं, आप लोग अगर नए हैं आप लोग तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐसे ही दिखाई जाएगी डिटेल में। और भी कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, अदर देन दैट आप इंतज़ार करें, आपको सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर ऑलरेडी मिलेगी। और नए हैं तो हमारे हमें काउंसलिंग के लिए आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, आप सभी का मैं हेल्प करने वाला हूँ। आप लोग को चॉइस फिलिंग PDF ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूँ, अदर देन दैट मैं करूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।